Press the bell icon from your YouTube app and never miss any update from MJ Infotainment. हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे जी टीवी के कुछ ऐसे सीरियल्स की जिन्होंने सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं परोसा बल्कि अपनी कहानियों और किरदारों के सहारे समाज को अच्छा संदेश भी दिया और साथ में कई इंपॉर्टेंट इश्यूज को लेकर सोशल अवेयरनेस भी फैलाई। वेल दोस्तों, अब तक आप समझ ही गए होंगे कि आज की इस वीडियो पे हम आपको बताएंगे जी टीवी के ऐसे सोशल ड्रामास के बारे में जिन्होंने एंटरटेनमेंट के साथ साथ ऑडियंस को एक अच्छा स्पेशल मैसेज भी दिया। तो दोस्तों, शुरुआत करेंगे रैंक नंबर 12 से जय सीरियल कमल, जिसकी स्टोरी में हम मिलते हैं कमल नाम की एक अनाथ लड़की से जिसका पालन पोषण मिलकर तीन बार डांसर्स करती है, जहां समाज में बार डांसर्स के प्रोफेशन को गलत तरीके से देखा जाता है, जिस वजह से समाज में कमल को भी अपनी जगह बनाने में मुश्किल होती है। स्कूल में एडमिशन लेने से सारी तक कमल को काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, पर कमल इन सबके खिलाफ सिर उठाकर जीती है। और उसकी कहानी से हमें पता चलता है कि दुनिया में कोई भी इंसान, चाहे वो कैसे भी बैकग्राउंड से हो, वो अच्छी एजुकेशन और रिस्पेक्टफुल लाइफ जीना डिजर्व करता है। तो दोस्तों, आप बढ़ेंगे रैंक नंबर 11 की ओर, जय सीरियल सर्विस वाली बहू, जिसकी कहानी में हम मिलते हैं पायल नाम की एक सिविल इंजीनियर लड़की से जो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले संभालती है और आगे उसकी शादी एक जॉबलेस लड़के से होती है, जहाँ उस जॉबलेस लड़के के पेरेंट्स पायल की सरकारी नौकरी की वजह से इस रिश्ते के लिए हामी भरते हैं और आगे हम देखते हैं पायल अपने ससुराल के लिए एक कमाई का साधन बनती है। और पायल की कहानी से हमें पता चलता है कि एक औरत घर के अंदर ही नहीं बल्कि घर के बाहर भी कमाकर अपने परिवार को चला सकती है। इसके अलावा दहेज प्रथा के खिलाफ भी पायल आवाज़ उठाती है। ये शो काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव सीरियल था, इसने दर्शकों को भी सोचने में काफ़ी मजबूर किया। तो दोस्तों, आप चलते रैंक नंबर 10 की ओर, जहाँ लाइट हार्टेड सीरियल नीली छतरी वाले, जिसकी कहानी में हम मिलते हैं भगवान दास नाम के एक कॉमन मिडिल क्लास मैन से जो भगवान शिव को देख सकता है और उनसे बातचीत भी कर सकता है। और इसके हर एक एपिसोड में हमें भगवान दास के लाइफ से जुड़े किस्सों के जरिए अलग अलग सामाजिक संदेश दिए जाते थे, जहाँ भगवान शिव अपने भक्त भगवान दास को हर एक परिस्थिति में खुश रहना सिखाते हैं। वेल दोस्तों, अब मूव ऑन करेंगे रैंक नंबर 9 की ओर, जहाँ सीरियल अगले जन्म मोहे बिटिया ही की, जो जी टीवी के हिट शो की हीरोइन लाली के थ्रू हमें बताया जाता है, बेटी होना एक गर्व की बात है, जहां हम देखते हैं आज भी कई पिछड़े हुए गांवों में पैसों के बदले गरीबों की बेटियों की शादी के नाम पर ट्रैफिकिंग हो रही है, जिसका शिकार सीरियल की हीरोइन लाली भी बनती है। और इसके बाद शुरू होता है लाली का अपने सम्मान की रक्षा करने का और समाज में अपनी जगह बनाने की जंग का सफ़र। दोस्तों, अब बात करेंगे रैंक नंबर 8 की, जय सीरियल अफसर बिटिया, जिसकी कहानी में हम मिलते हैं बिहार की गरीब परिवार की लड़की कृष्णा से, जिसे अक्सर उसकी सकल सूरत और गरीब होने के वजह से अपने रिश्तेदारों से ही कई भेदभाव का सामना करना पड़ता है। लेकिन कृष्णा और पढ़ाई के प्रति उसकी मेहनत और लगन उसे उसके सपनों के आगे किसी भी मुश्किल को आने नहीं देती और एक दिन अपनी कड़ी मेहनत से वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का ओहदा पाती है और उसकी ये कामयाबी उसे नीचा दिखाने वाले उन सभी लोगों के लिए एक मुँह तोड़ जवाब होता है। और कृष्णा की इसी कामयाबी से हमें ये मैसेज मिलता है कि कड़ी मेहनत और सच्ची लगन से हम दुनिया में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब जिक्र करेंगे रैंक नंबर 7 के बारे में, जय सीरियल आपकी अंतरा, जिसकी कहानी में हम मिलते हैं एक स्पेशल चाइल्ड अंतरा से, जिसके थ्रू ऑडियंस को ऑटिज्म नाम की बीमारी के बारे में समझाया गया, जहाँ हम देखते हैं अंतरा एक ऑटिस्टिक चाइल्ड है जिसे एक ब्रेन डेवलपमेंट डिसऑर्डर है, जिस वजह से उसे सोशली इंटरेक्ट एंड कम्युनिकेट करने में परेशानी होती है। वो चीज़ों को स्लोली स्लोली सीखती है और कई स्टेटमेंट्स को रिपीट करती है। सो में ऑटिस्टिक चाइल्ड के इश्यूज़ को काफ़ी अच्छे से दिखाया गया और कैसे अंतरा की फैमिली उसे प्यार से ट्रीट करती है ये भी दिखाया गया, जहाँ इस शो ने ऑटिज्म नाम की बीमारी के प्रति ऑडियंस को अवेयर किया और अंतरा की ये जर्नी काफ़ी वर्दी और इंस्पायरिंग भी रही। तो दोस्तों, आप बनेंगे रैंक नंबर 6 की ओर, जहे सीरियल घर की लक्ष्मी बेटिया, जिसकी कहानी में हम मिलते हैं एक बड़ी और संपन्न गुजराती फैमिली से जो इतने बड़े घर से होने के बाद भी एक छोटी सोच रखते हैं बेटा और बेटियों को लेकर, जहां हम देखते हैं कैसे इस रिच फैमिली में घर की बेटियों को बोझ समझा जाता है और उन्हें मिसट्रीट किया जाता है और घर के इकलौते बेटे को उनसे ऊपर रखा जाता है
और उसे कई प्रकार की फैसिलिटीज़ भी दी जाती है। और फिर आप देखते हैं कि कैसे घर की सबसे छोटी बेटी लक्ष्मी अपने परिवार की सोच बदलने की कोशिश करती है। वेल इस शो में हमें आज भी समाज द्वारा बेटों और बेटी को लेकर किए जाने वाले भेदभाव के अगेंस्ट आवाज़ उठाती बेटियों की कहानी को दिखाया गया था। वेल दोस्तों, अब मूव ऑन करेंगे रैंक नंबर 5 की तरफ, जय ZTV का सीरियल आपके आ जाने से, जिसमें हमें एक मिडिल एज वूमेन वेदिका और एक यंग लड़के साहिल की लव स्टोरी को दिखाया गया था। जहाँ शो का मैसेज क्लियर था कि प्यार में उम्र की कोई सीमा नहीं होती, सच्चा प्यार किसी भी दो इंडिविजुअल्स के बीच हो सकता है। इसके अलावा शो में ये भी दिखाया गया था कि सोसाइटी कैसे यंग वीडो को ट्रीट करती है और उसके लिए कितने बैजेट्स बनाए गए हैं। इसके अलावा शो में वीडो रिमैरिज को भी नॉर्मलाइज किया गया था। ओवरऑल ये शो काफ़ी इंटरटेनिंग होने के साथ साथ काफ़ी इम्पैक्टफुल भी था। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं रैंक नंबर 4 की ओर, जय सीरियल डोली अरमानों की, जिसकी कहानी में हम मिलते हैं नायिका उर्मी से, जो एक अच्छे लाइफ पार्टनर का सपना देखती है और आगे उसकी शादी होती है उसके एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग इंसान सम्राट से, जो कि वॉयलेंट, एग्रेसिव और रूड है। औरतों के लिए उसकी सोच भी काफ़ी छोटी होती है। जहाँ शुरू से वो उर्मी पे काफ़ी डोमिनेंट रहता है और उससे काफ़ी बदसलूकी से पेश आता है और उर्मी अच्छे दिनों की उम्मीद में ये सब सहती है। पर एक दिन ऐसा आता है जब सम्राट उर्मी पर हाथ उठाता है और उसे बेरहमी से पीटता है, जिसके बाद उर्मी की आंखें खुलती है और वो सम्राट पे डोमेस्टिक वायलेंस का केस करती है और उसे सजा दिलाती है। वेल, उर्मी की कहानी के थ्रू डोमेस्टिक वायलेंस जैसे सेंसिटिव इश्यूज को दिखाया गया और उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए औरतों को प्रेरणा भी दी गई थी। तो दोस्तों, अब जिक्र करेंगे रैंक नंबर 3 के बारे में, जय सीरियल सपने सुहाने लड़कपन के, जिसकी कहानी में हम मिलते हैं दो कजिन सिस्टर्स रचना और गुंजन से। जहाँ बड़े शहर से आई मॉडर्न थिंकिंग वाली गुंजन और छोटे शहर की रिजर्व्ड सोच वाली लड़की रचना की लाइफ जर्नी के थ्रू हमें कई इश्यूज दिखाए गए। जहाँ आज भी छोटे शहरों में कॉलेज में लड़कियों को जीन्स पहनने में चल रही डिबेट हो या खुली सड़कों में लड़कियों के साथ हो रही ईव टीजिंग जैसे कई इंपॉर्टेंट इश्यूज को शो में उठाया गया। इसके अलावा इस शो में कई सोशल अवेयरनेस से रिलेटेड ट्रैक्स इंट्रोड्यूस किए गए थे। कुल मिलाकर ये शो काफ़ी होलसम था। तो दोस्तों, अब हम आ चुके रैंक नंबर 2 के तरफ, जय सीरियल पुनर्विवाह जिंदगी मिलेगी दोबारा, जिसमें हमें एक विडोवर मैन यश और एक डिवोर्सी वुमेन आरती की लव स्टोरी दिखाई गई थी, जिनकी लव स्टोरी के थ्रू हमें दिखाया गया था कि एक डिवोर्सी महिला अपनी लाइफ को एक न्यू पार्टनर के साथ फिर से शुरू कर सकती है। फेल्ड मैरिज मतलब लाइफ का एंड होना नहीं होता। जहाँ आज भी छोटे छोटे शहरों में विडो रिमैरिज को लेकर काफ़ी अलग अलग धारणाएं हैं, कानपुर बैकड्रॉप बेस्ड इस सोने भी ऐसी स्टेरोटिपिकल सोच को तोड़ने की कोशिश की। वेल दोस्तों, फाइनली बात करेंगे रैंक नंबर 1 की, जय सीरियल 7 फेरे सलोनी का सफ़र, जिसकी स्टोरी में हम देखते हैं सलोनी नाम की एक डार्क स्किन लड़की को, जिसे अक्सर उसकी गोरी बहन के साथ कंपेयर किया जाता था और उसे अपने रिश्तेदारों और समाज के द्वारा उसके सांवले रंग की वजह से घृणा भरी नज़रों से देखा जाता है और कई बार इस वजह से उसकी शादी भी तय नहीं हो पाती, जिससे हमें पता चलता है समाज में आज भी गोरे काले को लेकर भेदभाव चल रहा है। पर इसी के साथ शो में हमें नाहर और सलोनी की प्रेम कहानी भी दिखाई गई थी, जिसके थ्रू मैसेज दिया गया था प्यार रंग से नहीं बल्कि सुंदर मन से किया जाता है। यह सीरियल सुपरहिट रहा और इसके बाद तो मानो डार्क स्किन लड़कियों के ऊपर कई सीरियल्स बने। तो दोस्तों, ये थे ZTV के द्वारा बनाए गए टॉप 12 सोशल ड्रामास, जिन्होंने एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक अच्छा सोशल मैसेज भी सोसाइटी को दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें अपना फेवरेट सीरियल का नाम ज़रूर बताएं। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।